तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों हिंदी के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए हमारे साथ। और प्रतिदिन मैं बता दूं दोस्तों, प्रतिदिन आप सभी लोग हमारे साथ शाम में 8 बजे जुड़ सकते हो लाइव। ठीक है, लाइव हमारे साथ शाम में 8 बजे प्रतिदिन जुड़ सकते हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, मज़ा आ जाएगा क्लास में। ठीक है, तो चलिए और बता दूँ, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए होंगे, पहली बार होंगे, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और यार, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। फ्री में टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे एक्स्ट्रा में स्टडी मटेरियल के साथ साथ क्लास का नोटिफिकेशन सब चीज़ मिलते रहता है टेलीग्राम पर। टोटल लर्निंग सर्च करोगे, जो लोग हमारे यूट्यूब पर है वही लोग आपको वहीं टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो आप सभी लोग लिंक को शेयर नहीं करते यार, लिंक को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आस्तिक का विलोम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी है नास्तिक, ऑप्शन नंबर सी है कर्मयोगी, ऑप्शन नंबर डी है धर्मवीर। क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए जी, यहाँ पे मिलाइएगा सभी लोग। देखिए, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? वो होता है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नास्तिक। ठीक है, आस्तिक का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर पर विश्वास करने वाला, और नास्तिक का मतलब होता है ईश्वर पर न विश्वास करने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको अनेक शब्द में एक शब्द आ जाएगा, जैसे ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, ईश्वर को विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए आस्तिक कहते हैं, और ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, चलिए दो दो क्वेश्चन क्लियर होते चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है आयात का विलोम क्या होता है? आयात का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कायनात, ऑप्शन नंबर बी है वाहियात, ऑप्शन नंबर सी है निर्यात, ऑप्शन नंबर डी है यातायात। क्या हुआ जल्दी से आप सभी लोग उत्तर करके बताइए कमेंट में। और दोस्तों, अभी तक से लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो यार लाइक तो बनता है, लाइक वाला बटन दबाओ और तेजी से इस लिंक को शेयर करो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाए और सभी VVI MCQ का लाभ उठा सके। तो चलिए यहां पे देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे, जी हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी निर्यात होगा। ठीक है, आयात मतलब आना और निर्यात मतलब जाना। ठीक है, क्या समझे? आयात मतलब आना। ठीक है, यानी कोई वस्तु आ रहा है हमारे भारत देश में, निर्यात मतलब भारत देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आयात मतलब आ रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? जा रहा है, तो जा रहा है क्या निर्यात? समझ में आ गया ना? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, कहता है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है साध्वी, ऑप्शन नंबर बी है भूमि, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रा, ऑप्शन नंबर डी है पार्थिवी। क्या होगा जी? हाँ जी, चलिए तो देखिए सभी लोग आंसर मिलाते चलिएगा। देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द न कह रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आप सभी को मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भूमि हो जाएगा, भूमि होगा, वसुधा होगा, साथ ही साथ धरती भी हो जाएगा, बहुत सारा होता है पृथ्वी का। साध्वी किसका हो जाएगा? साधु का स्त्रीलिंग। ठीक है, चंद्रा हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची, और ये पार्थिव, ठीक है, पार्थिव क्या हो जाएगा? जो पथ पर चलने वाला होता है ना, घूमने वाला, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, पथ पर चलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया, कहता है सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने
जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादी को मार गिराया। तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर से दिख रहा है दोस्तों, उसका अर्थ बताना है। जैसे कि जवाबी को यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा? सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। ऑप्शन नंबर ए है आघात, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिघात, ऑप्शन नंबर सी है प्रहार, ऑप्शन नंबर डी आक्रमण। क्या होगा? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। और आपका एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग फंस जाते हो, तो आप सभी को फंसना नहीं है दोस्तों, ठीक है? और प्रतिदिन हमारे चैनल पे 8 बजे होती है, ऐसे ही आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग नए बच्चे हो गए। तो चलिए देखिए, आप सभी लोग मिलाते चलिएगा। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। यहाँ पे जवाबी का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिघात। ठीक है, क्या? प्रतिघात करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पे, परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। समझ लीजिए, दृढ़ निश्चय का अब यहाँ पे अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कमर टूटना, ऑप्शन बी कमर तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी कमर कसना, ऑप्शन नंबर डी कमर सीधी करना। देखिए ये क्या है, एक जो वाक्य आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये वाला रेड कलर से लिखा हुआ, ये आपको अर्थ है। और इसका मुहावरा क्या होगा, अब इस तरीके से पूछता है। तो अब मुहावरा भी आपको भी सोचना है, कैसे सोचते हैं आप सभी लोग, सोचिए और फटाफट सही आंसर करिए। आपको एक से एक क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग कहीं नहीं जाइए दोस्तों, बस इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए जी मिलाइएगा, देखिए। हाँ जी, मिलाते चलिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। तो दृढ़ निश्चय का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कमर कसना। देखिए यहाँ से आप सभी लोग पढ़ोगे ना, तो कमर कसना का मतलब क्या होता है, तैयार हो जाना किसी चीज़ के लिए, हम तैयार हैं। अब परीक्षा में सफलता यानी कि एग्ज़ाम में अगर पास करना होगा, तो सबसे पहले आप लोग परीक्षा पास करने के लिए उसका सिलेबस पढ़ोगे, यानी कि परीक्षा के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे, दृढ़ निश्चय करोगे कि हाँ अब हमको इस चैप्टर ख़त्म कर देना है, तो यहाँ पे हम लोग परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो वही हुआ कि तैयार या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दृढ़ निश्चय करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे जी, उनका राइट है कमर कसना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आगे कहता है, सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। देखिए सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। देखिए अब जो ये आपको रेड कलर से दिख रहा है, समभाव से देखना, तो ये जो आपको रेड से दिख रहा है, इसका ये आपको क्या दिख रहा है, मुहावरा दिख रहा है। और इसका अर्थ अब बताना है, ठीक है, उस समय क्या था वो अर्थ था और मुहावरा बताना है। अब क्या है, ये अर्थ मुहावरा है, अब अर्थ बताना है। सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एक आंख न भाना, ऑप्शन नंबर बी एक आंख से देखना, ऑप्शन नंबर सी आंखें चार होना, ऑप्शन नंबर डी आंखें बिछाना। जल्दी से बताइए आप सभी लोग आंसर, सोच समझ के दीजिएगा जी। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन पढ़ो, देखो टिक लग जाएगा ऐसे ही। तो चलिए जी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है एक आंख से देखना। देखो समभाव से देखना यानी कि सभी को समान भाव से देखना, और समान भाव देखने का मतलब यहाँ पे भी जो ये जो अर्थ निकलता है ये इसका निकलता है, एक आंख से देखना। यानी एक आंख से देखने का मतलब दोस्तों कि सभी को हम लोग क्या देख रहे हैं, समान देख रहे हैं। जिस आंख से हमने गरीब को देखा उसी आंख से अमीर को देखा, ठीक है,
समझना, जैसे मंदिर में क्या होता है, मंदिर में गरीब और अमीर एक जैसे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है और सब जगह अपना अपना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, समझे ना, एक आँख से देखना का मतलब होता है कि सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, समान देख रहे हैं। तो समभाव से देखना या एक आँख से देखना, दोनों का अर्थ समान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कहता है मारने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा, ठीक है, मारने की इच्छा से कहीं अधिक अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे क्या होता है यहाँ पे गांव देहात में आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पे, या आपको न्यूज़ में भी सुनने को मिलता होगा कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। भाई किसान आत्महत्या क्यों की, तो वो क्या होता है कर्ज लेने के कारण उसमें जीने की जो इच्छा होती है वो मर जाती है, ठीक है, वो जीने की इच्छा मर जाती है, जिसके कारण कर्ज लेने के कारण, ओनली फॉर कर्ज लेने के कारण वो क्या होता है जीने की इच्छा मर जाती है और वो आत्महत्या करने पे करार हो जाते हैं, ठीक है। मूवी वगैरह में देखे भी होंगे, बहुत सारे मूवीज में दिखाया गया ऐसा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, रेड वाला का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है मुमूर्षा, ऑप्शन नंबर बी अभिलाषा, ऑप्शन नंबर सी है बुभुक्षा, ऑप्शन नंबर डी है जी जीविषा, क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, और इसका अर्थ देख करके आप लोग समझ ही गए हो कि मैं तो अर्थ इसका बता ही दिया हूँ। तो चलिए जल्दी से बताइए आप सभी लोग, तो चलिए यहाँ पे मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल है जीने की इच्छा, ठीक है, जीने की इच्छा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है जी जीविषा, ठीक है, जी जीविषा का मतलब ही होता है जीने की इच्छा, ठीक है, याद रहेगा, अब याद रहेगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी अगेन, ऑप्शन नंबर सी है वीर, ऑप्शन नंबर डी है भक्त, क्या होगा जल्दी से आप सभी लोग बताइए, तद्भव शब्द बताना है जी। तो चलिए देखिए आप सभी लोग मिलाते चलिएगा क्या होगा दोस्तों, तद्भव ना कह रहा है, तो तद्भव जहाँ पे संस्कृत का यूज होता है उसे हम लोग तद्भव कहते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए 14, ठीक है, तत् जोर भव, ठीक है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, तो इन दोनों में क्या होता है जो संस्कृत का ज़्यादा यूज होता है वो होता है तद्भव, और हिंदी के रूप में तत्सम, ठीक है, तो वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 हो जाएगा, ठीक है, और ये सभी आपको दिख रहा है ना, ये सभी क्या तत्सम शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गया, कहता है निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है, देखिए देशज शब्द, ऑप्शन नंबर ए बच्चन, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी फुनगी, ऑप्शन नंबर डी है घुड़सवार, जल्दी से बताइए। देखिए देशज शब्द किसे कहते हैं पहले इसको आप लोगों को जानना जरूरी होगा, तब जाकर के आपको आंसर टिक लगेगा, आप लोग पहले आंसर बताओ फिर उसके बाद मैं देशज शब्द बताऊंगा, फिर उसके बाद अपने आप टिक आंसर लग जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए समझिएगा पहले देशज शब्द क्या है, हाँ जी सभी लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे जो देशज शब्द किसे कहते हैं मालूम है, एक स्थान या जगह पर बोली जाने वाली भाषा को ना हम लोग देशज शब्द कहते हैं, ठीक है, भाषा नहीं सॉरी बोली, ठीक है, बोली को, ठीक है, क्या कह सकते हैं जैसे किसी एक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को या भाषा को हम लोग क्या कहते हैं देशज कहते हैं। जैसे अब देखो आपको वचन क्या लग रहा है, किसी एक क्षेत्र में बोला जाता है, देखो इस ऑप्शन में आपको कौन सा यूनिक वाला लग रहा है जो कि किसी क्षेत्र में बोला जाता होगा, किसी क्षेत्र में, ये तो व्याकरण है जो हिंदी में है जो कि शुद्ध है सभी जगह बोला जाता है लिखा जाता है वचन घुड़सवार, लेकिन देखो फुनगी जो लिखा हुआ है ये आपको सुनने में आया होगा गांव देहात में ज़्यादातर इसका यूज करते हैं फुनगी, फुनगी कहने का मतलब मान लो कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, मान लो कि ये कोई पेड़ है और इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है पीक चोटी उसी को हम लोग क्या कहते हैं फुनगी कहते हैं देहाती भाषा में, ठीक है, तो वही किसी क्षेत्र में बोला गया गांव में, गांव एक थोड़ा सा क्षेत्र हो गया और उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम लोग देशज कहते हैं, और देशज यहाँ पे क्या जो ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है फुनगी, ठीक है, क्या हो गया दोस्तों फुनगी हो गया, और फुनगी हम लोग क्या कहते हैं तो चोटी को कहते हैं,
ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनी गुड्स या चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिए कहता है दाल रोटी में कौन सा समास है, दाल रोटी में कौन सा समास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। क्या होगा राइट आंसर, दाल रोटी में कौन सा समास है, तो चलिए जी देखिए आप सभी लोग आंसर मिलाइएगा, सभी लोग आंसर मिलाइएगा, दाल रोटी में कौन सा समास है दोस्तों। तो बहुत ही आसान सवाल है, दाल और रोटी, तो यहाँ पर से आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों पद प्रधान है, ठीक है, दोनों पद जब प्रधान हो जाता है तो वो कौन सा समास हो जाता है, तो वो जाता है द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाता है, दोनों पद प्रधान होता है, तो दाल और रोटी दोनों ही प्रधान है, यदि आपको खाली रोटी दे दे जाए तो खा सकते हैं, नहीं अच्छा लगेगा उतना, अगर दाल दे दिया जाए तो भी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अगर दोस्तों दोनों दे दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा खाने में, दाल और रोटी, है ना, तो यही बात होती है कि दोनों पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे आपको दाल रोटी कहा है, यदि माता पिता कह देगा तब भी क्या, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, उसी तरीके से आ जाएगा फेमस मैं बता रहा हूँ लोटा डोरी, ये भी क्या हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है। और बता दो दोस्तों बहुव्रीहि के लिए, तो बहुव्रीहि में आप लोग याद रखना सबसे यूनिक दुनिया में एगो, ठीक है, सबसे यूनिक और दुनिया में एगो याद रखना, वो हमेशा बहुव्रीहि होगा, ज़्यादातर बहुव्रीहि में भगवान होता है, ठीक है, जितना भगवान के नाम आते हैं ना सारा बहुव्रीहि में चला जाता है, क्योंकि दुनिया में यूनिक वही लोग हैं। अब जो अगला आता है द्वंद्व, तो आप लोग जान ही गए कि दोनों पद प्रधान होता है, कर्मधारय, तो जो भी जैसे मैं कमल नयन, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, कमल नयन, देखिए आपको यहाँ पर से पूरा समास क्लियर हो रहा है, किसी भी जो लास्ट पद होगा ना अंतिम पद, वो प्रथम पद, अंतिम पद की विशेषता प्रथम पद बतावे तो उसको हम लोग कर्मधारय कहते हैं, या इस तरीके से प्रथम पद अंतिम पद की विशेषता बतावे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय। जैसे नयन का मतलब आप लोग समझते हो आँख, और कमल का मतलब वो जो कीचड़ में फूल खुलता है, कमल जो हमारा राष्ट्रीय फूल है वो कमल कितना सुंदर होता है, तो यहाँ पे कह रहा है नयन कमल के समान, ठीक है, जिसका नयन कमल के अनुसार यानी कि नयन की तुलना कमल से कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और वही अगर द्विगु की बात करें तो द्विगु में क्या हो जाएगा, आगे में यदि आपको संख्यावाचक दिखे तो हमेशा टिक करके आ जाना द्विगु समास। जैसे त्रिपुरा एक राज्य की राजधानी है, सॉरी राज्य है, तो यहाँ पे देखो त्रि आ गया ना जी, त्रि से आपको याद होना चाहिए तीन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास में चल जाएगा। उसी तरीके से पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र क्या है, एक बुक है, तो इसमें देखो पंच आगे में आ रहा है इतना दूर से, ये भी द्विगु में चला जाएगा। पंचांग, उसमें भी पंच आ रहा है तो वो भी द्विगु में चला जाएगा, ठीक है। जितना भी आगे में यदि आपको संख्यावाचक दिखे तो द्विगु में मार देना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ गया, कहता है जो दायरा मुकदमे का बचाव करे या काट करे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनेक शब्द के एक शब्द है, जो दायरा मुकदमे या मुकदमे का बचाव करे उसे क्या कहते हैं या काट करे। ऑप्शन नंबर ए है याचक, ऑप्शन बी है प्रार्थी, ऑप्शन नंबर बी है वादी, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिवादी। ठीक है, क्या होगा, देखिए जो दायरा मुकदमा का बचाव करेगा या उसको हमेशा के लिए रद्द करेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं पता है, वो हो जाएगा, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है जी, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं प्रतिवादी उनका राइट है, और यही राइट आंसर भी होगा, ठीक है, यही राइट आंसर होगा प्रतिवादी, जो दायरा मुकदमे का बचाव करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिवादी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ गया, कहता है इनमें कौन सा शब्द उनार्थक रक्षक है, यानी उनार्थक कहने का मतलब जैसे हम लोग कभी कभी भाषा में बोल देते हैं,
चाय उई लाओ ना, उई उई जो बोले ना वो हो जाएगा हमारा उनार्थक शब्द। कभी कभी आप लोग ने, आप लोग भी बोलते हैं तो उस समय जो वर्ड जो पीछे का हो जाता है ना उसे हम लोग उनार्थक शब्द कहते हैं। देखो जैसे किसी को बोल रहे हो देहाती भाषा में पानी उनी लाओ ना यार, पानी उनी लाओ ना यार। तो देखो जो पानी उनी उनी जो बोला ना ये हमारा क्या हुआ उनार्थक शब्द हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो देखिए मिलाइएगा तो यहाँ पे सभी लोग मिलाते चलिएगा, यहाँ पे जो उनार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लंगोटी। ठीक है, लंगोटी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। तो कौन है जी उर्वशी के रचनाकार? ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा राइट आंसर? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो देखिए आप सभी लोग को याद भी रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में आपका पैरामेडिकल के। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप सभी लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किस रचना पे? तो उर्वशी के रचना पे। ठीक है, याद रखिएगा ना। हाँ जी ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है? नहीं है जी, क्या होगा राइट आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कृपाण, ऑप्शन नंबर बी अस्सी, ऑप्शन नंबर सी बल्लभ, ऑप्शन नंबर डी है खड़ग। समानार्थक कहने का दोस्तों यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची एक तरह से कह सकते हो, तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है इसमें से? तो देखिए सभी लोग मिलाइएगा। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है वल्लभ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कृपाण अस्सी और खड़ग दिख रहा है इन सभी का पर्यायवाची शब्द बात करोगे तो क्या होता है? तलवार होता है। ठीक है, तलवार होता है, याद रखिएगा। और यहीं पे अगर वल्लभ की बात करो तो वल्लभ का मतलब क्या होता है मालूम है? पति, स्वामी, ये होता है। ठीक है, ये सब होता है। तो आपको वल्लभ का भी याद रखना है, पति, स्वामी, वल्लभ। ठीक है, याद ये सब रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है, सजावट में सही प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आवट, ऑप्शन नंबर बी है वट, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर डी है अट। कौन सा राइट होगा जी? जल्दी से बताइए आप सभी लोग आंसर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सज जोर आवट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? आवट प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे सही प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है आवट। ठीक है, सजावट में प्रत्यय कौन सा है? तो आवट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 15 MCQ किया क्योंकि आपका एग्जाम में 15 ही क्वेश्चन पूछा था, तो प्रतिदिन हम लोग 15 क्वेश्चन को लाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।